जी आज सभा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता की जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव लाखों लाख मतों से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने या किसी भी कार्यकर्ता ने कभी भी किसी भी महापुरुष को के बारे में कभी कोई अपशब्द नहीं कहा। हम सारे लोग जयंतियां मनाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी कल आपको देखने को मिलेगा, जब वोट पड़ेंगे एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में, श्रीमती डिंपल यादव जी के पक्ष में वोट जनता डालने जा रही है। इस केवल बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सारे जात और धर्म के लोगों का सम्मान किया, महापुरुषों का सम्मान किया है, केवल बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो गांव में घुस नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, जनता उनको नकार रही है, कोई मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, केवल बौखलाहट है। और कल की घटना, परसों की घटना को लेकर हमारे एलाऊ क्षेत्र में हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, उनके घर पे आज पुलिस जाती है और ये कहती है कि आपका नाम परसों की घटना में आप बात है, जबकि वो व्यक्ति एलाऊ थाने के अंतर्गत रहने वाले गांव है, मेरा है, वहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ से वो आए भी नहीं, थे भी नहीं। इसके बावजूद भी पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। लिस्टें पहुंच चुकी हैं थानों में गिरफ्तारी के लिए। अरे हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में तो निष्पक्ष चुनाव कराए, पुलिस को अलग करें। पुलिस का काम है कहीं झगड़ा ना हो, शांतिप्रिय वोट पड़े, ये प्रशासन का काम है। कई तरीके के कई वीडियो आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो गाली दे रहे हैं। वीडियो तो आपने देखा होगा, एक जात विशेष के बारे में अपमानजनक टिप्पणी और गलत गलत क्या नाम जो गालियां दी गई हैं, भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल हम सारे लोग समाजवादी लोग इसकी निंदा करते हैं, जितनी घोर निंदा करते हैं। अरे चुनाव है, कल वोट पड़ेंगे, वोट पड़ने दीजिए। आप पुलिस के माध्यम से हमारे साथियों को पकड़वाएंगे, पूरे जनपद में तांडव मचा हुआ है। यहाँ के जो क्या नाम आयोग के परीक्षक हैं, जिलाधिकारी जी हैं, SP हैं, बड़े अधिकारी, उनसे हमारा निवेदन है निष्पक्ष चुनाव कराएं। कई तरीके की कार्यकर्ताओं पर FIR की गई है अलग अलग थानों में, कैसे देखते हैं ये? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के दबाव में ये FIR की गई है और इंगित किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जब उन पर मुकदमा नहीं है ऐसी कौन सी धारा आप उसको थाने में बैठा देंगे, जेल भेज देंगे? भाई कल भी जेल भेज दिए, कौन सी धारा आपके पास है? जिनके पास एक भी मुकदमा नहीं है, हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे जनपद में, चाहे करैल हो, भोगांग हो, किसनी हो, मैनपुरी हो, सारी जगह उत्पीड़न किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दबाव में चुनाव जीतना चाह रही है? ये चुनाव नाव तो कोई मतलब नहीं है, कल पता चल जाएगा। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और कल बढ़ चढ़ कर मतदान करेगी। सपा कार्यालय पे प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या उद्देश्य? परसों हमारी पार्टी का रोड शो था, रोड शो नहीं बल्कि बेरोजगारों की बारात थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मिलित हुए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं भी कोई अनुशासनहीनता नहीं की, और अगर की है तो उसका कोई साक्ष्य दिखा दे। जो ये करहल चौराहे पे जो हुआ है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, मारा गया, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, और वो लोग समझ ही नहीं पाए, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी तोड़ दी उन लोगों ने। उसके बाद प्लानिंग के तहत ये वीडियो बनाए गए, एक जात विशेष के लिए गंदी गंदी गालियाँ दी गई, समाज को बांटने का प्रयास किया गया। जब मंत्री को लगा कि चुनाव मेरा बहुत नुकसान हो गया, तो मंत्री अपने बयान में साफ सफाई देते नजर आ रहे हैं कि सब कौम एक है। जब तुम्हारे वंशज सरेआम गालियां दे रहे हैं समाज को, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा नहीं था। एक महिला की सुरक्षा के लिए उन्होंने लंका में जाके युद्ध किया था, और भगवान श्री राम का नाम लेके महिला प्रत्याशी को गाली देंगे? ये परंपरा है देश की? और दूसरा बात, हम भी यदुवंशी हैं, जो जिस जात को गाली दी गई है वो भगवान कृष्ण के वंशजों को गाली दी गई है। इन्होंने भगवान राम का भी अपमान किया है, भगवान कृष्ण का भी अपमान किया है। अरे चुनाव लड़िए, आपकी जमानत जब्त कराएगी मेरी जनता, और मंत्री को तमीज ही नहीं है। मंत्री अपने बयान में कह रहा है कि महाराणा प्रताप अंग्रेजों से लड़े थे। अरे महाराणा प्रताप तो मुगलों से लड़े थे, थोड़ा ज्ञान बढ़ाए मंत्री। और प्रेस इसलिए बुलाई गई है,
कि मैनपुरी की पुलिस खासतौर दन्नार थाना शरीफ लोगों को उठा उठा के बंद कर रही है और यद पुलिस ने लोगों को रोकना बंद नहीं किया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया है। उन्होंने कहा यार तो छोड़ दें लोगों को नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दन्नार थाने पर आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को छुड़वाएंगे। लगातार FIR की जा रही है लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर। आज भी एक FIR सामने आई है, हमारे जोन प्रभारी विजय यादव भंडार आंसू तोमर के ड्राइवर ने फर्जी FIR लिखाई है। तमाम FIR हो रही है, दन्नार ऐसो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, एक दर्जन लोगों को पकड़ा है, अभी 5-6 को छोड़ दिया और कुछ का चालान कर दिया और हमने तहरीर जो दी है उसको मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। हमने साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, सारे ऑडियो वीडियो जो भी थे हमारे पास हमने आयोग को भी भेजे हैं, कप्तान को भेजे हैं, लेकिन हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए ये समाजवादी पार्टी की मांग है और चुनाव को निष्पक्ष कराया जाए ये पार्टी की मांग है। हमने आयोग में शिकायत की है, अगर हम बात नहीं मानी जाएगी फिर शिकायत करेंगे और हमें पूरी आशंका है, हम आपको वीडियो दे देंगे जिसमें लड़के बोल रहे हैं कल साले बस्ता लगा के दिखाएं, इस तरह सब यूज कर रहे हैं, पोलिंग डंप करेंगे, लक्ष्मीबाई की पोलिंग, खरपरी की पोलिंग, अवधनगर की पोलिंग, एकासनंद की पोलिंग, ये डंप करने की धमकियां मिल रही हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये कहना है, आयोग से ये कहना है कि कृपया इन पोलिंगों की सुरक्षा की जाए। आयोग की नेतृत्व जिम्मेदारी बनती है, जिला प्रशासन की नेतृत्व जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष मतदान कराएं। जो आपका जो वीडियो एक आया है उसका मैं अभी आपको एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जो असली वीडियो है उसमें नौजवान उत्साही सेल्फी खींचने के लिए ऊपर चढ़े हैं, लेकिन वो महाराणा प्रताप की जय जयकार कर रहे हैं, कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, वहाँ जय जयकार बोली है, लेकिन BJP के झूठे मंत्री ने सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, अब जनता ने हराने का मन बना लिया है, सरसागंज वापस भेजने का मन बना लिया है, तो मंत्री जी चुनाव लड़े, जनता की दम पर लड़े, पुलिस की दम पर न लड़े। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए एक मजबूत आधार। प्रवेश हुआ प्रारंभ, रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल, स्मार्ट एज लर्निंग क्लासेस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स क्लासेस, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, अनुभवी सर्टिफाइड टीचर्स, इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान, प्रत्येक महीने PTM, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना, शारीरिक विकास के लिए आउटडोर इंडोर गेम्स, आधुनिक CCTV कैमरा से सुसज्जित प्रांगण, जनरेटर की सुविधा, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, होम एनवायरनमेंट, रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल।